लोग भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नया नया सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखते रहें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इज इंटरनेट। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वह बहुत ही ज़्यादा अहम है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं ये वाली वीडियो बना ही स्टूडेंट्स के लिए रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है, आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको बाद में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जो के लोग जो है ट्यूशंस वगैरह जाते हैं या अकेडमीज वगैरह जाते हैं तो वो काफ़ी उनमें मतलब ख़र्चा होता है उन चीज़ों में, और काफ़ी आपको एफर्ट करनी पड़ती है, थक जाता है बंदा। तो इसीलिए नेट तो देखें हर किसी के घर लगा हुआ है, हम लोग हर वक्त फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर बैठे हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इंटरनेट को किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर लें। मतलब उसी से अगर हम लोग पढ़ना शुरू कर लें और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दें तो हमारे बहुत से पैसे भी बच सकते हैं और हमारा टाइम भी बच सकता है, और आप लोग घर बैठे बैठे अपना पूरा कोर्स जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ मैट्रिकुलेशन लेवल और एफएससी लेवल के लोगों के लिए। ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तानी लोग ही, मतलब दूसरे भी बोर्ड्स के लिए हैं, मतलब जो इंडिया वगैरह के, लेकिन हमारे जो कोर्सेज होते हैं अपने पाकिस्तानी कोर्सेज, उनके बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग उनको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा, हो सकता है आपको, मैं आज टोटल 5 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा, तो हो सकता है कि आपको एक दो पता हो, तो आप लोगों ने मतलब वीडियो बंद नहीं कर देनी है कि मुझे तो ये पता है, ये वैसे ही बता रहा है। मैं आप लोगों को कुछ अच्छी भी 2-3 ऐसी साइट्स बताऊँगा या यूट्यूब चैनल्स बताऊँगा जो कि आपको हेल्पफुल रह सकते हैं अगर आपको बाकी साइट्स से समझ ना आए तो। और सबसे अच्छी जो बात है इन साइट्स की वो ये है कि क्वालिटी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मतलब आपको क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको चीज़ अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको चीज़ समझ आए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो देखें सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, पहली साइट है जिसका नाम है sabak.pk। इस साइट का तो मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को ही तकरीबन पता होगा क्योंकि ये काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है और अब काफ़ी पॉपुलर भी हो चुकी है। तो ये काफ़ी वेल डिज़ाइंड और बहुत अच्छी साइट है। तो देखें इन लोगों ने लिखा 1.5 मिलियन 15 लाख स्टूडेंट्स आर यूजिंग दिस साइट। तो काफ़ी अच्छी साइट है, पॉपुलर भी हो चुकी है। इसके अंदर आपको सारे उर्दू के अंदर जो है लेक्चर्स मिलेंगे। आप लोग अपना बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फेडरल अगर आपका है तो फेडरल में जाकर आप लोग क्लास 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कर सकते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और स्टैटिक्स की क्लासेस मिल सकती हैं, और आप लोग फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह के भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है इसमें कि आप लोगों को सब कुछ वेल मैनेज्ड इस साइट पर ऊपर मिल जाएगा। इधर कोई भी आपको चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ेगी। केपी के बोर्ड भी है, बलोचिस्तान, कैम्ब्रिज, ओए लेवल्स भी है इस साइट के ऊपर। तो आप लोगों को मैं कोई वीडियो चला कर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये कोई उस तरह तो वीडियो नहीं है कि मैं आपको लेक्चर चेक करवाऊँ इनके, लेकिन आप लोग खुद जाएं इस साइट को और डिस्कवर करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये साइट बहुत पसंद आएगी क्योंकि मैंने खुद भी अपनी मैट्रिक जो किया है वो मैंने इसी से किया है, और फर्स्ट ईयर मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो मैंने फर्स्ट ईयर के भी काफ़ी इससे काफ़ी कुछ पढ़ा इस साइट से, और काफ़ी अच्छी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं इस साइट के ऊपर। तो चलें ये होगी एक साइट, अब जाते हैं ऐसी ही एक दूसरी साइट के ऊपर। इस साइट का शायद सबको ना पता हो, इस साइट का नाम है maktab.pk। शायद पता भी हो, कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर आप ये काम अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको फिर तो पता ही होगा maktab.pk। देखिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी ऑनलाइन पढ़ने के लिए, क्योंकि शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा ये तो अच्छा नहीं है, मतलब इस तरह क्या स्क्रीन के ऊपर मैं पढ़ूंगा, ना सामने टीचर है, ना मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ना कुछ। तो थोड़ी सी आपको आदत इसकी डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आदत होगी तो आप लोग कहीं भी फिर नहीं जाएंगे, फिर आपको कोई एकेडमी या ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें ये भी अच्छी साइट है, लेकिन इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इनका इंटरफेस है। तो चलें हम लोग अगर कोई क्लास चूज करनी है हमने कर लेते हैं, यहाँ से भी देखें केमिस्ट्री, एफईसी। इस साइट के ऊपर अगर मैं आपको सच बताऊँ तो उस तरह की इंस्ट्रक्शंस, उस तरह के इंस्ट्रक्टर्स नहीं है जैसे कि सबक के ऊपर हैं। ये थोड़ी पुरानी साइट भी है, और साथ में इसका जो इन लोगों ने यूज़ किया हुआ जो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू ये सब कुछ बताते हैं वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इस साइट के ऊपर बायो का अगर कोई स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसके लिए साइट बहुत अच्छी है क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर केमिस्ट्री फिजिक्स आपने पढ़नी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सबक से ही पढ़ें,
और इस साइट के ऊपर सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, मतलब कंपलसरी वगैरह। और साथ में ये भी उर्दू में लेक्चर्स ही देते हैं, इंग्लिश में नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है इन दोनों साइट्स की। तो ये होगी दूसरी साइट। अब हम लोग चले जाते हैं तीसरी के ऊपर। तीसरी साइट तो है लेकिन वो साइट के ऊपर आपको बहुत मुश्किल होगी लेक्चर ढूंढने की, इसीलिए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग चलते हैं। आप लोग यूट्यूब लिखें सिंपली, और मुझे 90% श्योर है कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो अगर यहाँ पर आप लोग लिखें इल्म की दुनिया, इस चैनल का और इस साइट का भी नाम है, आप इनकी साइट पर जा सकते हैं लेकिन आपको काफी मुश्किल होगी। अब देखें ये साइट बहुत अच्छी साइट, ये इनके भी लेक्चर्स होते हैं, इनमें देखें आपको टीचर्स बिल्कुल सामने बोर्ड के ऊपर खड़े होकर इस तरह नॉर्मली पढ़ाते हैं, कॉलेज वगैरह में उसी तरह पढ़ा रहे हैं, तो ये काफी अच्छी एक बात है। देखें इसमें बीए के जो नॉवेल्स वगैरह होते हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो इन देखें यहाँ पर साइट पे sabak.pk और maktab.pk का भी आप लोगों को सजेशन आई हुई है, लेकिन उनकी साइट काफी इजी है तो आप लोग वहीं से ही जाके पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग इनकी वीडियोस में चले जाएं तो अभी तो ये असल में ये अभी नई नई ही खुली है, तकरीबन 7-8 महीने हुए हैं इनके चैनल को, तो ये लोग रोज मतलब नई वीडियोस अपलोड करते हैं। देखें यहाँ पर पिछले 20 घंटे से कितनी ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो ये बीए वगैरह के आजकल ये लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो लेकिन आपको यहाँ पर बायो बायो भी बहुत अच्छी है साइट के ऊपर, आप लोग पढ़ें सेकंड ईयर की बायो, और साथ में आप लोगों को फिजिक्स के लेक्चर्स अब ये लोग कर रहे हैं अपलोड साथ साथ, और केमिस्ट्री के भी कर रहे हैं। तो एफएससी पार्ट वन जो है फर्स्ट ईयर है उसके काफी इन्होंने कर दिए, लेकिन सेकेंड ईयर के अब ये लोग कर रहे हैं साथ साथ। तो आप लोगों को महीने के अंदर होपफुली सारे लेक्चर्स इस साइट के ऊपर भी मिल जाएंगे, इस चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो देखें काफी अच्छे ये भी पढ़े लिखे जो है, अगर आप लोग कहें के लोग हैं तो अच्छा है, आपको गाइड करेंगे। मैंने क्योंकि इससे 3-4 आई थिंक सो मैंने लेक्चर्स लिए थे जब मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर्स थे उस वक्त, तो काफी अच्छा ये पढ़ाते। आप लोग इनकी साइट भी विजिट कर सकते हैं ilmkidunia.com, लेकिन आपको मुझे पक्का पता है कि मुश्किल हो कि ढूंढने में लेक्चर्स को, तो इसीलिए मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका यूट्यूब चैनल बता दिया, और ये भी उर्दू के अंदर है, एक और बात हो गई। अब चौथे के ऊपर चलते हैं, वो भी एक यूट्यूब चैनल। अब जो मैं बात करूंगा वो इंग्लिश होगी, मतलब इंग्लिश लेक्चर्स होंगे, उसमें आपको उर्दू लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर जाएं तो मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने लिखना है, नहीं बल्कि मैं आपको पहले एक साइट का बता देता हूँ, खान अकेडमी। वो तो देखें हर किसी को ही आई थिंक सो पता होगी खान अकेडमी। मैंने ये इसलिए चूज़ किया खान अकेडमी के, कुछ लोग ये ना कहें कि आपने खान अकेडमी को छोड़ दिया, वो सबसे बेस्ट साइट है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ खान अकेडमी बहुत ज़बरदस्त साइट है, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती कि उर्दू जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हमें समझ ज़्यादा अच्छा उर्दू में ही आता है, तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, और इनका भी यूट्यूब चैनल है। तो इस साइट को मुझे नहीं लगता है मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साइट का काफ़ी लोगों को पता होगा। तो ये होगी एक और साइट। अब आखिरी जो है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल्स में आपको बताऊँ बेतहाशा हैं, बहुत ज़्यादा गिनती में नहीं आते हैं, लेकिन जो मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा है और जिससे खुद भी पढ़ा है और मुझे लगता है कि वो आपको पसंद आएगा, उसका नाम है ए के लेक्चर्स, ए के। चलें अभी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, बस ये लिखते हैं, और ये एक बंदा है ए के लेक्चर्स वाला, ये बहुत ही अच्छा ये बंदा जो है आपको करता है, और इसका जो एक्सेंट है वो भी बहुत अच्छा है, आप लोगों को पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी, समझने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। और साथ में ये आपको रिलेटेड चैनल्स जब मिलते हैं आप लोग इनको भी जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझना हो रहा है तो। और ये एक ही बंदा है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में इसको बहुत ज़्यादा ग्रिप है, और ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझाता है और पढ़ाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा चैनल है। अगर आपको कोई चीज़ उन तीनों साइट्स के अंदर समझ नहीं आ रही है तो आप लोग इधर देख सकते हैं। ये भी हालांकि ये मतलब अमेरिका का बंदा है, तो अमेरिका का बंदा है, इसको हमारे बोर्ड वगैरह का नहीं पता है, लेकिन वहाँ के जो हाई स्कूल हैं ये उनके लिए ये लेक्चर्स अपलोड करता है, तो हम लोग भी इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये होगी 5 टोटल मैंने आज आपको बता दी, सबक, मकतब, इल्म की दुनिया, खान अकेडमी एंड देन ए के लेक्चर्स, ये 5 हो गए। तो इनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दूंगा,
और उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके जो FSC और मेट्रिकुलेशन लेवल को पास करने में। तो अब आप लोगों को मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक दफ़ा आदत डाल लें ऑनलाइन पढ़ने की, तो आप लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे आगे भी अपने करियर में भी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी काम किया और काफ़ी ये मैंने टाइम लगा के, मैं ये चाहता ये तो ये वीडियो बहुत पहले अपलोड कर चुका होता, लेकिन मैंने इन सब साइट्स को पहले चेक किया, खुद इनके लेक्चर्स को फिर मैंने आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दिलाएं, शेयर भी करें, न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।